आज की ये वीडियो बिगनर के लिए है जो फोटोशॉप पर काम करते हैं और पासपोर्ट फोटो कैसे बनाते हैं और एक्शन सेव कैसे करते हैं। हर एक्शन सेव जैसे कि 5 पासपोर्ट साइज का एक्शन कैसे बनाते हैं, 8 पासपोर्ट साइज का एक्शन कैसे बनाते हैं, 15 पासपोर्ट साइज का एक्शन कैसे बनाते हैं, 20 पासपोर्ट साइज का एक्शन कैसे बनाते हैं, ये सभी एक्शन किस तरह से बनाते हैं आज की इस एक ही वीडियो से हम सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और एक्शन कैसे तैयार करते हैं, वन क्लिक में हम कैसे फोटो बना सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये फोटोशॉप में एक फोटो ओपन करके रखी है, आप अपनी कोई भी फोटो एक ओपन कर लेना। सबसे पहले हम इस फोटो को हल्का फिनिशिंग करेंगे, कंट्रोल एम से इसको लाइट करेंगे, कंट्रोल दबा के प्लस एम दबाएंगे और फोटो को हल्का सा लाइट करेंगे। बीच में माउस की सहायता से पकड़ के थोड़ा ऊपर को लेके जाएंगे। अब इसको थोड़ा हल्का ब्राइटनेस करेंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ नीचे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट क्लिक करेंगे। यहां से हमें हल्का इसको कॉन्ट्रास्ट करना और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें इसमें पासपोर्ट साइज देना है, हमें इस क्रॉप टूल की सहायता से इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर हम विड्थ में 1.3 इंच रखेंगे और हाइट में 1.5 इंच रखेंगे, रेजुलेशन हम 300 रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉप करेंगे, माउस से पकड़ के इस तरह से एरो बटन से नीचे से ऊपर साइड में इस तरह से करेंगे और फिर एंटर बटन करेंगे। तो ये हमारा पासपोर्ट फोटो का साइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कंट्रोल ए से इसका चारों तरफ का सिलेक्शन करेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, और बॉर्डर देंगे हम इसमें, एडिट पे जाएंगे और स्ट्रोक पे जाओ, यहां ब्लैक कलर रखेंगे और इसको हम 5 का बॉर्डर देंगे और ओके पर करेंगे। ये हमारा इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा, ये आउटसाइड बाहर की तरफ जाएगा, इसको हमें बीच में सेंटर में रखना है ताकि ये फोटो के बीच में ही रहे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फोटो हो चुका है पासपोर्ट साइज। अब हम एक्शन कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले हमें इस पे कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी, और अब हमें विंडो में जाएंगे और एक्शन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्शन ओपन हो गया, इसका शॉर्टकट की है F9। जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये एक्शन हमारा सामने आ जाएगा। तो अब हमें अपना एक्शन बनाना है। सबसे पहले हमें नीचे यहां प्ले पे आना है, ये प्ले का निशान है, इस पे आके हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये न्यू एक्शन बनाने की विंडो ओपन हो जाएगी। आप अपना यहाँ पे सेम नाम ही रहने देना, Action 1, Action 2, Action 3, या जो भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें नाम डाल देता हूं, ये मैंने 5 पासपोर्ट साइज का एक्शन बनाना है तो इसमें मैंने 5 पासपोर्ट साइज नाम रख दिया। अब यहां पे मैं इसका शॉर्टकट की सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि मैं शॉर्टकट के इसका F7 रखता हूं और रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूं। अब मुझे एक शीट ओपन करनी है, कंट्रोल N दबाएंगे और यहां से मैं एक A4 साइज की शीट लेता हूं और ओके पर क्लिक करता हूं। ये हमारे सामने A4 शीट आ गई है। अभी यहां से मैं इसको मूव टूल पे क्लिक कर लिया मैंने ये। अब यहां पे हमें पहले जो हमने कंट्रोल सी किया था, अब यहां पे हमें कंट्रोल वी करना है।
ये हमारा कंट्रोल व्यू हो गया है। माउस से ऊपर की तरफ लाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको रोटेशन करेंगे, रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे और इंटर प्रेस करेंगे। आप यहां लेयर में देखो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो काम कर रहे हैं हम। अब हमें इसको थोड़ा नीचे रखना है ताकि हमारा फोटो कटे नहीं। और आल्ट, आप चाहे तो आल्ट दबा के एरो से इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी और नीचे कीबोर्ड में जो एरो के निशान है राइट हैंड की तरफ, हम इससे इसको ऐसे करेंगे और फिर से हम कंट्रोल जे करेंगे और फिर से हम एरो के बटन से इसको आगे करेंगे, फिर से हम कंट्रोल जे करेंगे और फिर एरो बटन से आगे करेंगे। ये फोटो थोड़ा आगे चला गया तो हम इसको सबसे पहले पीछे वाले पे क्लिक करेंगे, थोड़ा एरो बटन से लेफ्ट हैंड की तरफ हल्का करेंगे। तो ये हमारा पांच फोटो का एक्शन, पांच फोटो सेट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो स्टॉप का निशान है दिखा देता हूं मैं जूम करके, ये वाला, इस पे हमें क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग को ऑफ करना है। तो ये हमारा पांच फोटो का एक्शन सेव हो चुका है। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे, ये देखो ये हमारे पांच फोटो वन क्लिक में तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह अब हम एक और आठ फोटो का एक्शन सेव करेंगे। सबसे पहले ये वही काम करना है जो हमने शुरू में किया था, फिनिशिंग वगैरह, और सेम ऐसे ही करके बॉर्डर देके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है और फिर से हमें यहाँ प्ले के निशान पर जाना है और यहाँ हम आठ पासपोर्ट साइज नाम डाल लेते हैं। ये आठ पासपोर्ट साइज हो गया। अब यहाँ पे F2 रख लेते हैं और रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यू शीट लेंगे, कंट्रोल N प्रेस करेंगे और आठ फोटो के लिए हम 4x6 की शीट लेते हैं और ओके करते हैं। और फिर से इस शीट पे हम कंट्रोल V करेंगे तो ये फोटो इस शीट पे आ जाएगा, और कंट्रोल T करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे माउस से और रोटेट पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब फिर से हम कंट्रोल जे करेंगे और एरो बटन से कीबोर्ड से इसको आगे ले जाएंगे और अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कंट्रोल ई करना है। ये दोनों लेयर, दोनों फोटो एक हो जाएंगे। कंट्रोल ई करने के बाद ये दोनों फोटो मर्ज हो जाएंगे। अब हमें फिर से कंट्रोल जे करना है और एरो बटन से नीचे लाना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल ई करना है, ये चारों फोटो एक लेयर में हो जाएंगे। अब हमें फिर से कंट्रोल जे दबाना है और एरो बटन से इसको नीचे लेके आना है। बहुत ही आसान है एक्शन तैयार करना, आप जल्दी ही सीख जाएंगे। तो ये इस तरह से आठ फोटो का एक्शन बन चुका है। अब हमें यहां से फिर से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब देखिए, इसको काट देता हूं मैं और F2 प्रेस करता हूं। ये देखिए, F2 प्रेस करा और ये फोटो ओपन हो गए। अब इसी तरह से हमें एक 15 फोटो का एक्शन तैयार करना है। हमें फिर से फोटो पे कंट्रोल सी करेंगे और यहां से एक न्यू एक्शन तैयार करेंगे, क्रिएट न्यू एक्शन, और यहां मैं रख लेता हूं 15 पासपोर्ट और इसमें मैं रखता हूं F5। आप चाहे तो कोई भी की अपने हिसाब से रख लेना, मैं इसमें F5 रखता हूं।
और रिकॉर्डिंग पर क्लिक करता हूँ। अब इसके लिए मुझे एक न्यू शीट लेनी है, तो कंट्रोल एन दबाएंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी न्यू शीट की। कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से हम 5x7 एक शीट ले लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। ये हमारी 5x7 की शीट ओपन हो गई है। इसे हम थोड़ा रोटेट करेंगे, तो इमेज में जाएंगे और यहाँ रोटेट कन्वर्स पे जाएंगे और 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। अब हम इसमें कंट्रोल वी करेंगे। ये हमारा फोटो इस पे आ गया है, इसको हम रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने शीट को रोटेट कर लिया। इसमें इसको हम अब ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अब कंट्रोल जे करेंगे और एरो बटन से आगे करेंगे। फिर से कंट्रोल जे करेंगे और एरो बटन से फिर से आगे करेंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर आगे करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें हर फोटो पे कंट्रोल जे करके और एरो से आगे कर लेना। तो ये हमारे 5 फोटो हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल दबा के 4 बार ई दबाना, कंट्रोल दबा के 4 टाइम ई प्रेस करना है। जैसे मैं कर लेता हूं 1 2 3 4, ये हमारे हो गए, ये 5 फोटो एक लेयर में तैयार हो गए। अब हमें यहाँ पे कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे दबाएंगे और एरो से इसको नीचे लेके आएंगे, फिर से कंट्रोल जे दबाएंगे, फिर से एरो से नीचे लेके आएंगे। थोड़ा ऊपर नीचे माउस से क्लिक करके आप ऊपर नीचे सेट कर लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा 15 फोटो का एक्शन तैयार हो चुका है। अब यहां से हम इसको स्टॉप करेंगे, ये हमने स्टॉप कर दिया, इसको ऊपर से कट कर देते हैं। अब मैं प्रेस करता हूं F5, तो ये देखिए 15 फोटो वन क्लिक में तैयार हो गए। अब इसे कट कर देता हूं। अब हम बनाएंगे 20 फोटो का एक्शन। उसके लिए हमें फोटो पे सबसे पहले कंट्रोल सी करना है। एक चीज आप ध्यान में रखना, कंट्रोल ये चारों तरफ का बॉर्डर सिलेक्शन होना चाहिए और कंट्रोल सी करके यहां से हम एक्शन स्टार्ट करेंगे। यहां मैं 20 फोटो का एक्शन बना रहा हूं और यहां से मैं कोई भी की एक ले लेता हूं, जैसे मैंने F8 ले ली है और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहां से मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा न्यू शीट के लिए और यहां से हम 6x8 की हमारी इसमें कस्टम शीट नहीं है, तो इसे हम यहां से साइज डालेंगे, हम 8 इसी में रहने देंगे, 8 हाइट में करेंगे और 6 विड्थ में करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने शीट ओपन हो गई। अब इस पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ये फोटो इस पे आ जाएगी। अब हमें इसको कंट्रोल जे करेंगे और कीबोर्ड से एरो बटन से आगे ले चलेंगे, फिर से कंट्रोल जे करेंगे और फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर आगे करेंगे। अब हमें इस पे कंट्रोल 3 बार ई दबाना है, 3 टाइम ई प्रेस करेंगे कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाए रखना है और 3 बार ई प्रेस करना है, 1 2 3। तो ये हमारे फोटो एक लेयर में हो गए। अब हमें इस पे कंट्रोल जे करेंगे और कीबोर्ड से नीचे लाएंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर कंट्रोल जे करेंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। अब ये फोटो काफी नीचे आ गया है, कट गया है,
तो हम इसे सबसे ऊपर क्लिक करेंगे माउस से और थोड़ा ऊपर रखेंगे, फिर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे ही हमें सबको ऊपर लेके जाना है। तो ये हमारा 20 फोटो का एक्शन तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे स्टॉप बटन ओके करेंगे, तो ये 20 फोटो का एक्शन तैयार हो चुका है। कट करता हूँ इसको और F8 प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए हमारे 20 फोटो वन क्लिक में रेडी हो गए। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप में एक्शन क्रिएट करके वन क्लिक में पासपोर्ट साइज फोटो तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ पासपोर्ट फोटो तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।